नमस्ते ब्रजाचारी वीडियो आपका स्वागत है। आज भाई प्रेम मोटर्स अरीना में खड़ा हुआ हूँ मैं, मारुति सुजुकी अरीना के सामने। ब्रेजा आज दिखाता हूँ आपको, एलएक्सआई वेरिएंट दिखाऊंगा। और जो ब्रेजा का भाई एलएक्सआई जो वेरिएंट है ना, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एक्स शोरूम प्राइस आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगी, आप भी जानते हो। चाबी बात करूँ, चाबी आपको ऐसे ही मिल जाती। और एक पहली कार है मारुति की जो बेस मॉडल से आपको सीएनजी लगा के आपको दे रही है। जो स्टिकर जो आता है ना सीएनजी का, ये वाला आपको लगा के मिल जाता है। और माइलेज सुन के शौक हो जाओगे इस इंजन के साथ। भाई बात करते हैं इस गाड़ी की, पूरी पूरी डिलीवरी के लिए तैयार है। देख सकते हो आप लोग, पूजा वगैरह हो चुकी है इस गाड़ी की, सब कुछ तैयार है। इस गाड़ी सब कुछ तैयार है। बात करते हैं इस गाड़ी पूरी सामने से। तो सामने से आपको क्रोम हाईलाइट में आपको ग्रिल मिल जाती है, सामने सुजुकी का लोगो मिल जाता है, लाइसेंस प्लेट की नंबर लेकिन मिल जाती है। और पीछे आपको स्क्रीन पर आपको ब्लैक कलर की मिल जाए, बड़ा सा आपको रेडर ग्रिल में आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये चीज़ है। हेडलाइट की बात करूँ, हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है सिंगल बीम के साथ में। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है इसके अंदर, बीम लो हाई बीम और लो बीम इसके अंदर आता है। इंडिकेटर आपको यहाँ मिलता है, फॉग लाइट आपको यहाँ लगा के नहीं मिला ना, आपको दिया गया। चलो अब यहाँ पे आप शौक हो जाओगे। बेस मॉडल में आपको फेंडर पर 10 इंडिकेटर देती है कंपनियाँ, मोस्टली इंडिकेटर इंडिकेटर पर यहाँ पर देती हैं। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर दिया अपना ओआरबीएम पर भील कैब आपको कंपनी दे रही है लगा के। कंपनी रेट 16 इंची का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है आपको। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। और 200 एमएम की आपको ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर मिल जाए, 208-209 एमएम की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। 10 इंडिकेटर ओ आर बी एम, दो वाइफर एंड वॉशर के साथ मिल जाती है। कर्व डायन में आपको बोनट मिल जाता है, आप देख सकते हो कर्व डायन के साथ मिल जाता है। ए पिलर आपको बॉडी कलर मिल जाता है, पीछे आपको साफ एंड एंटीना भी इसके अंदर मिल जाता है। चलो यहाँ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या 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 नहीं है। क्लाडिंग आपको बेस से लेकर टॉप मॉडल तक मिलती है, पूरी क्लाडिंग यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपको पूरी क्लाडिंग मिलती है। यहाँ भी आपको मिल जाती है क्लाडिंग, यहाँ आपको मिल जाती है, लेकिन ये स्ट्रेच के बाद काम में काम आती है। और इन बटन इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको, हैंडल लॉक डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं। बी पिलर आपको ए पिलर आपको बॉडी कलर का नहीं, बॉडी कलर मिलता है। और ये बी पिलर और सी पिलर आपको मिलता है भाई, ये इसका क्या कहते हैं अपना ब्लैक ग्लोसी ब्लैक फिनिश का। चलो पीछे से बात करो, पीछे आपको टेल लाइट आपको एलईडी दी गई है, ना कि आपको हेलोजन, दिखा देता हूँ आपको एक बार, देख सकते हो एलईडी आपको टेल लाइट दी गई है। पीछे से आपको वाइफर नहीं मिलता है, ना कि इसके अंदर डिफॉगर मिलता है, आप देख सकते हो। सीएनजी की बैजिंग आपको मैं हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है इसके अंदर। और अपने को भाई रूफ रेल तो नहीं आती, ये क्या कहते हैं इसको, स्पॉइलर साफ एंटीना मिल जाता है इसके अंदर। सुजुकी का लोगो, विटारा की ब्रेजा की बैजिंग, ठीक है। और नीचे आपको लाइसेंस प्लेट की नंबर के लिए जाके मिल जाती है, इसको खोलते हैं एक बार। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करके दिया है मारुति ने। पार्सल ट्रे आपको एसेसरी और पार्ट लगा के दिया गया, ये अपनी सीएनजी टैंक। और अपना यहाँ पे इसको बंद चालू कर सकते हैं। नीचे आपको पूरा का पूरा स्पेस दिया गया, 100 लीटर के समथिंग आपको स्पेस आपके इसके अंदर मिल जाती है। स्पेयर व्हील आपको इसके अंदर मिल जाता है, देख सकते हो। टूल किट वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं अपने आराम से, ठीक है। टूल किट वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से दी गई है। अपना पूरा टूल किट आपको यहाँ रख सकते हो, ऐसा जैक वगैरह अपने टैम साइज आपके टायर दिया गया इसके अंदर। सीएनजी आपको दी गई भाई इसके अंदर, आप 10 लीटर आपको सीएनजी टैंक आपको मिल जाए, 70 लीटर का आप मिलता है मोटर कैपेसिटी के साथ में। आइए इसका फ्रंट रियर बैक डोर को देखते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है। टैंक आपको 48 लीटर का मिल जाता है पेट्रोल के साथ में। माइलेज वगैरह सारी चीज़ दिखाऊंगा, इंजन भी दिखाऊंगा, इंजन कौन सा। ये अपने टूल किट वगैरह 5 स्टार वो भी रखा हुआ है इसके अंदर। और अपने टूल किट अपनी यहाँ की मैनुअल बुक वगैरह सब चीज़ के अंदर, 5 स्टार वगैरह सब चीज़ के अंदर रखा हुआ है इसके अंदर। हेडरेस्ट नहीं आते आजकल कंपनियाँ, बहुत सारी हो चुकी ये चीज़ें। ये है ग्रैप हैंडल, रीडिंग लाइट आपको यहाँ मिल जाती है, सामने डैशबोर्ड आपको मिल रहा है। पूछा पूरा दिखाता हूँ आपको। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इस गाड़ी के अंदर भाई, आपको यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग आपको यहाँ लगा के आ देती, वो आपको ऑल वेरिएंट के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड उन्होंने हटा दिया इस गाड़ी के अंदर। चलो आइए फ्रंट एयर रोड शॉट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है भाई। अब आप शौक हो जाओगे, ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिरर देती है बेस मॉडल से, लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग, चार विंडो आपको चार विंडो, ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ मिलती है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, आएँ ऑटो अप और ऑटो डाउन, ये आपको चारों मिनट। सीट एडजस्टेबल आपको यहाँ मिल जाता है, ड्राइवर सीट एडजस्ट नहीं कर सकते। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाता है, बिंग प्लेट आपको इधर मिलती है। 3 पेडल मैनुअल में आती है, ऑटोमेटिक में नहीं आती। यहाँ से भर सकता है पेट्रोल और यहाँ से अपना बोर्ड खुल रहा है अपना सीएनजी बटन, बीम एडजस्ट करने के लिए। सीट पीछे कर लेता हूँ उसको थोड़ी सी, ये चलो भाई ये बढ़िया है। हाँ
भाई मारुति का डी कट थ्री स्पोक स्टेयरिंग इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग के साथ आती, पावर स्टेयरिंग के साथ, ये थम जो आता है ना भाई, मुझे बहुत शानदार भाई। इसमें अगर चाहती मारुति कॉस्ट कटिंग कर सकती है, लेकिन इसके अंदर मारुति ने कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। ये भाई आप ब्रेजा LXi का इंटरव्यू देख रहा है, एस्टिमेट क्लस्टर, इसके अंदर आपको भाई टैकोमीटर मिल जाता है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर टैकोमीटर नहीं आता है, CNG का सब यहाँ मिल जाता है, पूरा भर के देती है। दी पेट्रोल के लिए आता है, अपना CNG वगैरह इधर आता है। 0 किलोमीटर चलिए, यहाँ से किलोमीटर चेक कर सकते हैं अपनी, 10 किलोमीटर चलिए ओनली, ये है। और इधर से आप अपनी माइलेज वगैरह चेक कर सकते हो, कितनी दे रही है कितनी नहीं दे रही, बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, ट्रिप पे ट्रिप कितनी देगी कितनी नहीं देगी। इधर RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, 220 किलोमीटर आपको RPM मिल जाती है। मिस्टम आप यहाँ लगा सकते हो अपना, हेजर लाइट का बटन, 5-speed गियरबॉक्स आपको ऐसा मिल जाता है, ग्लोसी ब्लैक में आता है, देख सकते हो क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में। AC कंट्रोल आपको ऐसा मिल जाता है, मैनुअल में ही आती है सर्कुलर चेंज करने के लिए अपना। और 12B का चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ मिल जाता है, मोबाइल रख सकते हैं यहाँ पे। गियर नॉब आपको 5-speed ही मिलेगा, और VXi से आपको ऑटोमेटिक के साथ भी, 6-speed ऑटोमेटिक के साथ भी आपको आ जाएगी, मैनुअल में आपको 5-speed ही मिलेगा। 2 कप होल्डर के साथ में यहाँ मिल जाता है, हैंड ब्रेक आपको क्रोम के साथ मिल जाता है, कोइन पर रखने के लिए जगह। ग्लोबॉक्स की बात करूँ, ग्लोबॉक्स आपको ऐसा मिल जाता है, काफ़ी शानदार सा है लेकिन ठीक ठाक है स्पेस है। सनसेट पर वेंटी मिरर मिलते ही नहीं है, VXi से मिलना चालू होता है। इधर आपको भी नहीं कुछ नहीं मिलता है, यहाँ रीडिंग लाइट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलती, ये चीज़ मैनुअल और भी मिल जाता है, डे लाइट आप, लेकिन एंटी ग्लेयर के साथ मिलता है, ये वाला आपको सादा नहीं मिलता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो मोस्टली आपको यहाँ चाहिए टिल्ट स्टीयरिंग इसके अंदर आई जाता है, ये है टिल्ट स्टीयरिंग आता है, टेलीस्कोप इसके अंदर नहीं आता है। मोस्टली सारी चीज़ दिखा दी, अब दिखाता है इसका इंजन, और इंजन के अंदर भाई कितनी ताकत है कितनी नहीं है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कंट्रोल लीवर खोलेंगे, यहाँ से इंजन भी खोलते हैं, ये है, यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आ जाती है। और यहाँ से आप CNG भी इसके अंदर भर सकते हो, ऐसी के ऐसी आप CNG भी इसके अंदर भर सकते हो बेकायदा, टेंशन ही नहीं, किसी चीज़ का लुक लिए अपना दिया गया भाई, बहुत शानदार चीज़ है भाई। और थैंक्स अगेन यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने खोला इस चीज़ के लिए, ठीक है भाई। ये है मारुति का के सीरीज 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, पेट्रोल के साथ आता है, अपनी CNG के साथ भी यही वाला इंजन आता है। अगर पेट्रोल की बात करूँ, पेट्रोल में आपको पावर जनरेट करता है 103 BHP, और टॉर्क की बात करूँ आपको 136 न्यूटन का टॉर्क जनरेट कर रहा है पेट्रोल के अंदर। और CNG की बात करूँ आपको, CNG के आपको करेगा 86 BHP और 113 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है आपको CNG के अंदर अंदर। लेकिन अब माइलेज की बात करूँ, कहानी कहाँ पलटती है अपनी, कहानी पलटती है माइलेज के अंदर। CNG के अंदर आपको देगा भाई 26 KMPL कंपनी क्लेम करती है इसके ऊपर, आपको मरे मारे बता रहा हूँ, शुद्ध भाषा में बताऊँ तो आपको मरे मारे 20 से 22 का इतनी बड़ी गाड़ी है आपको माइलेज दे देगी। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, ना कि 3 सिलेंडर आता है इसके अंदर, 4 सिलेंडर इंजन आता है इसके अंदर, iPad टेक इंजन के साथ ही आती के सीरीज का। इधर आपको बैटरी मिल जाती है, CNG मास्टर आपको यहाँ मिल जाता है, फ्यूज बॉक्स आपको यहाँ मिल जाता है, ABS यूनिट की आपको यहाँ मिल जाती है, बेस मॉडल में ABS आता है, ABS CVT दोनों चीज़ें आती है, AC कंट्रोल बार सारी चीज़ के अंदर आता है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। ये गाड़ी है, अब मिलाता हूँ इनके कस्टमर से, कस्टमर कितने सर्टिफाइड हो और VXi लेने का क्या रीज़न था। अंकल जी आप सर्टिफाइड हो इस गाड़ी से? किस बेस से लिया आपने इस गाड़ी को, माइलेज मशीन के हिसाब से ली कि ब्रेजा का मॉडल गाड़ी है, मोस्ट ट्रेंडिंग गाड़ी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है इसलिए इसका माइलेज देखते हुए मैंने इसको लिया है। इसमें पेट्रोल भी आता है? तो आपने पेट्रोल इसी बेस CNG आपने लिया है, तो आप सर्टिफाइड हो इस गाड़ी के अंदर। कंपनी 26 कंपनी क्लेम कर रही है, खुश हो इसके बारे में? मोस्टली आपको 24-25 का आपको मॉडल नॉर्मल दे देगी ऑन AC पे, तो आप खुश हैं? कितनी पड़ी आपको ये वाली गाड़ी ऑन रोड? ऑन रोड मेरे को पड़ी है 11 लाख। ऑन रोड 11 लाख की आपको पड़ी, तो भाई आ सकते हैं भाई, आप सर्टिफाइड हो इस गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ समझाई आपको सेल्समैन ने, मोस्टली सारी चीज़ समझाई, सारी चीज़ दिखाई, डिलीवरी के लिए तैयार है कि नहीं? थैंक यू अगेन, ऐसे कस्टमर मिलना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गाड़ी थी भाई मारुति सुजुकी ब्रेजा LXi, पसंद आई सब्सक्राइब करना, लेकिन सेफ्टी के मामले में भाई मारुति जितनी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, सबसे भाई 4-स्टार आती है ये वाली गाड़ी, सबसे 4-स्टार आती मारुति। अगर इसके अंदर प्लेटफॉर्म उसके बाद बात करूँ, IBTEC प्लेटफॉर्म इसके अंदर यूज़ होता है, ना कि हार्टर प्लेटफॉर्म इसके अंदर यूज़ होता है। IBTEC प्लेटफॉर्म आपको पता है कि भाई हाई स्टील के अंदर बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाती है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, नहीं है डिसलाइक करके जरूर जाना, ठीक है। कभी भी आ सकते हैं प्रेम मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, आप आ सकते हैं ग्वालियर से, इनका AG ऑफिस के पास रोड शोरूम है इनका, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, सून हैव अ नाइस डे।